Hey guys, welcome back to Fino Rocks and I'm back with another video. Okay, आज expiry day था। आज uh, मैंने कुछ try किया and it worked out beautifully. तो I just want to share that with you. मैं daily video बना के you know same चीज़े daily repeat नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि usually I stick to the same strategy. और मैं अपने सारे strategies usually आप लोगों को बताती रहती हूँ and adjustments bhi. तो uh, if there is a learning I usually do try to share the video with you guys so that you can learn from it. तो आज देखते हैं कि Uh, क्या ट्राई किया था मैंने एंड हाउ डिड इट वर्कआउट तो पहली चीज तो जब भी मार्केट एक बड़ी सी रेंज बनाती है जैसे कल इसने पूरा ये रेंज बनाया था तो जब तक ये रेंज नहीं टूटता ना तो हमें एक अच्छा डायरेक्शनल मूव नहीं मिल सकता ओके सो सुबह जब मार्केट ओपन हुआ ऊपर से इसने शूटिंग स्टार बना के बिल्कुल नीचे यहाँ तक आया डे एंड के आसपास तो इसके नीचे अब देखिए ये यहाँ से फोर्टी टू थ्री हंड्रेड से फोर्टी वन एट फिफ्टी ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड पॉइंट ये गिरा इंट्राडे में ओके okay. तो उसके बाद इट इज़ नॉट वाइज हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके बाद और भी मार्केट गिर जाएगा और स्पेशली ऐसे ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे उसी दिन के अंदर ऑफकोर्स कल गिर सकता है परसों गिर सकता है बट देन नॉट विद इन डे इफ इट हैज़ ऑलरेडी ट्रेवल्ड 500 हंड्रेड पॉइंट्स इन द डे थ्रू आउट टिल देन ओके तो यहाँ पे आज जो मैंने ट्रेड लिया वो एक डेबिट स्प्रेड था और वो मैंने एक्सपायरी के अंदर ही लिया कोई पुराना डेबिट स्प्रेड नहीं था uh, हाँ मेरे कुछ और रनिंग ट्रेड्स भी चल रहे थे बट देन डिफरेंट यहाँ पे मैंने जो डेबिट स्प्रेड लिया था बेसिकली मैंने लिया था एक पुट डेबिट स्प्रेड अब मैं आपको उसके स्ट्राइक्स एंड टाइमिंग्स वगैरह बता देती हूँ ओके सो मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैंने लिया था अराउंड एक बज के पाँच मिनट पे और यहाँ पे uh, देखिए ये जो एरिया था पहले तो मार्केट नीचे गिर गया फिर इट ट्राई टू रिकवर यहाँ पे गया बट ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका था पुराना भी रेजिस्टेंस था तो ये मुझे लग नहीं रहा था कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर अ रिजेक्शन कैंडल तो जब यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल वाला बना रेड वाला उसके लो टूटते ही जैसे उसका लो टूटा अराउंड वन और सो उस टाइम पे मैंने ये ट्रेड लिया था तो ट्रेड कुछ इस तरीके से दिख रहा था फोर्टी वन थाउजेंड फोर्टी वन नाइन हंड्रेड पी ली थी मैंने फाइव लॉट्स और उसको मैंने हेज किया था फोर्टी वन एट हंड्रेड पी से तो मेरा टोटल रिस्क ओनली था टू थाउजेंड फोर सेवेंटी नाइन तो इट वाज लाइक अ हीरो और जीरो ट्रेड कि अगर uh, मुझे लग रहा था मार्केट नीचे ही क्लोज करेगा तो उसके चलते मैंने ये ट्रेड लिया था पांच लॉट बनाने में देखिए मेरे कैपिटल uh, लगा है सिर्फ वन लाख फाइव थाउजेंड कुछ रुपए ओके okay? तो ये डिप्लॉय किया था अब अब देखिए उसको करने के बाद में क्या हुआ मार्केट वहां से गिरता चला गया और यहाँ पे भी आ गया तो यहाँ पे आ गया तो मतलब ऑलरेडी ये इन द मनी हो चुका था जो मेरा ट्रेड था 41900 वन था और 41800 से हेज था तो उससे भी नीचे आ चुका था यानी कि 41700 कुछ पे ये ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे तो अब यहाँ पे देखिए जैसे ये ऊपर रेजिस्टेंस था यहाँ पे नीचे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था देखिए कितनी अच्छी स्ट्रांग बाइंग आई थी कल यहाँ से तो वेरी लाइकली दैट यहाँ पे जो लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे वो अपना पोजिशन कवर करेंगे और उसके चलते आ, हम एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिख सकता है तो इसका मतलब मेरा जितना प्रॉफिट है वो सारा प्रॉफिट गायब हो जाएगा अब देखिए मैंने उस ट्रेड को अगर कुछ एडजस्टमेंट ना करके ऐसे ही छोड़ रखा होता तो उसमें मेरा मैक्स लॉस था 2478 और उतना ही मुझे हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे ओके तो अब मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ अब देखिए पूरा का पूरा जो सिचुएशन है पूरा का पूरा जो ट्रेड का लॉजिक है वो प्राइस एक्शन पे बेस्ड था जो जब मैंने इनिशियली ट्रेड लिया था तो तब मेरा व्यू ये था कि मार्केट नीचे जाएगा तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया था पुट डेबिट स्प्रेड ठीक है मार्केट नीचे आ गया इन द मनी भी हो गया मेरा ट्रेड और एक बजे के बाद आपको पता ही है कितने अच्छे से प्रीमियम डीके भी होने लगता है तो वो भी अच्छे से हो रहा था तो मुझे कुछ आई थिंक जब तक मैंने बुक किया उसको तो बेसिकली मैंने क्या किया मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो फोर्टी वन नाइन हंड्रेड का पी था जो मैंने बाई किया था उसको मैंने बुक कर लिया आ, मैंने फोर्टी नाइन रुपीज़ में बाई किया था वन ट्वेंटी फोर पे वो सेल हुआ ठीक है आ, और उसको मैंने हेज किया था फोर्टी वन एट हंड्रेड पे उसको मैंने क्लोज कर दी सेवेंटी थ्री रुपीज़ पर ओके okay, तो यहाँ पे मुझे लगभग अराउंड थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड कुछ का शायद प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम पे बट ऑबियसली वो मैंने इसलिए क्लोज़ किया मैं एक्सपायरी तक वेट नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे ना चार्ट क्लियरली चीक चीख के बता रहा था कि ये रिवर्सल जोन है ये मार्केट का रिवर्सल जोन हो सकता है और एक्सपायरी डे पे तो आपको पता ही है कितने जल्दी जल्दी रिवर्सल्स आ जाते हैं तो उसके चलते मैंने उस ट्रेड को वहाँ पे क्लोज किया बट क्योंकि मुझे अपने प्रॉफिट को लॉस में नहीं टर्न करना था अब आते हैं एक्चुअल ट्रिक अब मुझे अपने प्रॉफिट को खोना नहीं था बल्कि मुझे उसको डबल कर देना था 3500 का प्रॉफिट हो रहा था मुझे उसको डबल कर देना था और एनी वे थर्टी फाइव हंड्रेड एक लाख के कैपिटल पे 3.5 परसेंट होता है बट पूरा का पूरा प्राइस एक्शन का गेम है अगर आप देखो तो तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया अब इसको मैंने यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं इन दोनों को तो मैंने बुक कर लिया और मैंने एक इन द मनी पुट पांच इन द मनी पुट ले लेग्स को क्लोज करके मैंने इन दोनों को ओपन कर दिया और आप देख सकते हो मार्केट ने जैसा मुझे डर था वैसा ही किया यहाँ से रिवर्सल लिया स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया और ऊपर चला गया और उसके चलते मेरा जो ये क्रेडिट स्प्रेड मैंने बना दिया था इस डेबिट स्प्रेड के ऊपर वो अब प्रॉफिट में आ गया और ये पॉसिबल तभी हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस डेबिट स्प्रेड को सही डायरेक्शन में प्रॉफिट में लेके आई थी अदरवाइज जो मेरा ये रिस्क तो रिवॉर्ड था काफी स्क्रूड होता ओके okay? तो यहाँ पे मैंने तो आप समझ लो कि एक आ, स्ट्राइक हंड्रेड पॉइंट्स इन द मनी कर दिया इसको और मैंने इसको हंड्रेड पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी करके बाई uh, कर लिया आपको अग, अगर समझना है तो रीप्ले करके अच्छे से देखना स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइसेस वगैरह को तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या किया गया है तो जो प्रॉफिट मेरा थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ रूप, का हो सकता था वो मैंने क्लोज़ किया सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ के प्रॉफिट में इस ट्रेड में ओके नाउ सेवन पॉइंट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ इस वर्ट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ वन लाख रुपीजन कैपिटल यूज हुआ है इस पूरे ट्रेड में चाहे वो मेरे क्रेडिट स्प्रेड्स में हो या में हो, मुझे कुछ नहीं लगा है so, सो उतने में मेरा सेवन पॉइंट फाइव परसेंट रिटर्न आ गया ओके बट यहाँ पे सिर्फ सबसे बड़ी चीज आपको जो ध्यान रखना है एक तो ये आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको ध्यान में रखना है और दूसरी चीज ये जो यहाँ पे आई टी एम क्रेडिट स्प्रेड इस डेबिट स्प्रेड के ऊपर करा गया है दैट इज अ काइंड ऑफ एन एडजस्टमेंट विच कैन डबल योर प्रोफिट ओके आई होप ये आपको समझ में आ गया है कई बार हम लोगों के साथ क्या होता है हम डेबिट स्प्रेड ले लेते हैं हम प्रॉफिट में आ भी जाते हैं बट अगर रिवर्सल आ गया हमने सोचो ओवरनाइट छोड़ दिया और रिवर्सल आ गया तो हमारे सारे प्रॉफिट निकल जाता है ओके तो दिस कैन एक्चुअली बी रियली हेल्पफुल फॉर यू बट उसके लिए आपका जो डेबिट स्प्रेड है इट शुड बिकम इन द मनी ओके okay, जब वो इन द मनी हो जाए तब आप अगर ये स्ट्रेटेजी uh, करोगे ये एडजस्टमेंट करोगे देन देन इट कैन डबल अप योर प्रॉफिट्स और मार्केट मार्केट अगर रिवर्सल ले लेता है तो इट कैन डबल अप योर प्रॉफिट्स तो आपको ये ट्रेड तभी करना है जब आपको रिवर्सल दिख रहा है चार्ट्स पे आप डेबिट स्प्रेड में प्रॉफिट में हो आप नहीं चाहते हो कि आपका प्रॉफिट लूज हो जाए देखो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखा है डेबिट स्प्रेड को कैसे लूजिंग डेबिट स्प्रेड को कैसे विनिंग डेबिट स्प्रेड बनाया बनाया जा सकता है लॉस कैसे कम किया जा सकता है उसका जीरो कैसे किया जा सकता है सब डिस्कस कर रखा है मैंने वो अलग वीडियोस है बट ये वीडियो बहुत ज़रूरी था बिकॉज बहुत सारे लोग प्रॉफिट में आने के बाद में लॉस में चले जाते हैं क्यों क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है तो यहाँ पे ना सिर्फ आपका प्रॉफिट हुआ बट एट द सेम टाइम आपका प्रॉफिट डबल भी हो गया ओके सो आई होप दिस वॉज इंसाइटफुल फॉर सम ऑफ यू अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए मोटिवेट कीजिए मुझे ताकि मेरा मन भी करे कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ और कंटिन्यू टू कॉमेंट I really appreciate all the folks who comment and uh, ask questions or anything. So, thank you so much, guys, and have a good one. And thank you for sticking to FNO Rocks.